स्केल प्रैक्टिस आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ कैसे कर सकते हैं सो दैट आप कोई भी सॉन्ग्स बजाते वक्त स्केल प्रैक्टिस का उपयोग कर पाएं और स्केल प्रैक्टिस आपके लिए एक केवल बिगिनिंग लेवल प्रैक्टिस ना रहे। बहुत बार ये होता है कि हम जब सॉन्ग्स बजाते हैं तो अचानक से हम ये देखते हैं कि सॉन्ग स्केल से बाहर चला गया। जब सॉन्ग स्केल से बाहर चला जाता है तो हम मिस्टेक करते हैं, हमें इस चीज़ की खास तौर पे प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत सॉन्ग्स हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत सॉन्ग्स हैं कि जो कम्प्लीटली 100% एक स्केल में नहीं बनते, बीच में कोई अलग स्वर आ जाता है, फिर से सॉन्ग अपनी स्केल पे आ जाता है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से हम मिस्टेक्स करते हैं जब गेस्ट स्वर आते हैं और किस तरह से उसे ओवरकम किया जा सकता है। मैं ये चीज़ आपको 5 सॉन्ग्स के एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। हर सॉन्ग में एक स्वर कम से कम ऐसा है जो बदल जाता है, मतलब अगर ग शुद्ध है तो ग कोमल आएगा, फिर से ग शुद्ध पे जाएगा, इस तरह से। पहला हम लेते हैं ओ हंसिनी, देखिए परे ग सा, तो ये ग कोमल है, सा ये जी में बजा रहा हूं मैं। अब देखिए रे ग शुद्ध सा, ये ग कोमल ग ना 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 ना, फिर आएगा ना 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 ना, ग शुद्ध ग ग रे रे सा रे सा। तो ग कोमल और ग शुद्ध दोनों इसमें आए, एक के बाद एक ग कोमल, फिर ग शुद्ध, फिर ग कोमल, इस तरह से आए, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। दूसरा एग्जांपल कहना है सॉन्ग, सो कहना है कहना है आज तुमसे, तो सा ग प ध नि ध प ग प ग सा सा ध स रे म ग रे रे शुद्ध म ग रे सा 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 सा। आगे जाकर के जब स्टांजा आता है, आज मुझे बस इतना ही करना, यहाँ पे ये आता है, सो ग ग ग ग प म म म म रे कोमल म ग रे कोमल सा सा नी ध। तो यहाँ पे रे शुद्ध और रे कोमल आता है। रे शुद्ध कहाँ पे, आज तुमसे ये पहली बार, रे शुद्ध तुम ही, तो इस तरह से रे कोमल रे शुद्ध एक ही सॉन्ग में आता है और वो बहुत कंसिडरेबल टाइम के लिए रे कोमल पर रहता है। तो हमें खास तौर पे ये देखना होता है कि हम वो मिस्टेक ना करें जब हम बजाते हैं, तब रे कोमल के वक्त रे कोमल ही आए, रे शुद्ध ना आए। फिर नाम गुम जाएगा, ये सॉन्ग है जिसमें म आते हैं दो, तो किस तरह से होगा नाम गुम जाएगा, ये मैं डी में शुरू कर रहा हूं, ये आता है प प म रे म म ग ग, यहां पे म तीव्र था, प प प म रे म म ग ग, ये म तीव्र है ग ग, मतलब म तीव्र या फिर शार्प फोर्थ। तो न 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 न, आगे जब स्टांजा आता है तब वक्त के सितम तुम हंसी नहीं, फिर आज है यहाँ कल कहीं नहीं। अब यहाँ पे म कोई नहीं आया, अब आगे देखिए वक्त से परे, अगर ये म शुद्ध है, प्रोमिनेंटली म शुद्ध लगता है, तो नाम गुम जाए ये म तीव्र, और आगे वक्त से परे म शुद्ध म प म ग प म ग सा सा ग, यहाँ पे म शुद्ध ही लगता आया है 2-3 बार। फिर जब हम जाते हैं मेरी आवाज ही पहचान है, इसके बाद नाम गुम जाए म तीव्र, तो इस तरह से गाना म तीव्र में है म शुद्ध में भी है। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ये मैं बजा रहा हूँ सारे गम प, ए फ्लैट में मैं ले रहा हूँ, सा प सा प सा प
प प सारे रे मगर सानी ध प प। अब यहाँ पे देखिए प सारे मगर सानी शुद्ध ध शुद्ध प प। अब आगे देखिए दिल को बना दे वो पतंग सांसे तेरी वो हवाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए प प प सारे मगर सानी ध प प इमीडिएटली ध ध ध ध सारे, ये ध कोमल है। तो गाना अचानक से उसका जो एक मूड होता है, उसका जो एक इमोशन होता है, क्विकली एक छोटे समय के लिए क्यों ना हो, उसका जो इफेक्ट होता है, उसका जो फील होता है, वो बदल देता है। और फिर हम आते हैं आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, जो कुछ उसका जो जिस तरह से स्टार्ट हुआ है उसके ऊपर हम फिर से आते हैं। तो ये बहुत हम ये बोल सकते हैं बहुत दिलचस्प चीज़ है, लेकिन वो जो दिलचस्पी सॉन्ग में आई है वो हमें बजाने भी आनी चाहिए। और एक हम एग्जांपल लेते हैं, माना हो तुम, ये जी माइनर में हम ले रहे हैं, सा ग रे प सा ग ग म, यहाँ पे ग कोमल है, म प ध नी, तो यहाँ पे ऐसे बुरे, तो ये नी शुद्ध आता है, रे ग रे ग। अब इसमें जब स्टांजा आता है तो ये होता है ना 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 ना, तो देखिए देखिए अब क्या हो रहा है, मतलब नी प ग नी, ये कोमल नी है, फिर नी प ग नी नी सारे ग ध, तो नी कोमल और नी शुद्ध दोनों साथ में आए हैं, एक लाइन के दो टुकड़ों में नी कोमल और नी शुद्ध आए हैं। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनमें इस तरह से गाना रचा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होता है कि हम क्यों क्विकली रे कोमल से रे शुद्ध जब आता है तब हम क्विकली रे कोमल से रे शुद्ध पे नहीं जाते, हम रे कोमल बजाने की मिस्टेक करते हैं। ये क्यों होता है, तो जब हम स्केल बजाते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक स्केल में हम लॉक हो जाते हैं। स्केल ही क्यों, अगर कोई सॉन्ग है जो हम किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्वरों से शुरू करते हैं तो हम शायद लॉक हो जाते हैं उन स्वरों से, और फिर जब रे का दूसरा वर्जन आने वाला है, मान लो रे कोमल आने वाला है, तो हम शायद उसी रे पर जाएंगे जो हमने पहले बजाया है और जो सही नहीं है, इस वक्त के लिए सही नहीं है। सो इसकी प्रैक्टिस हमें इस तरह से करनी है कि एक स्केल में, एक प्रैक्टिस में हमें दो रे ये बजाने की आदत चाहिए। अब ये आदत मैं दोस्तों की फिंगर उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप क्या सुनते हैं जब आप रे कोमल बजाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहना है कि ही स्केल लूँ, मैंने बजाया सा रे ग म प, तो अब सा रे ग म प, देखिए किस तरह से वो सुनाई दिया शुद्ध के साथ, अब कोमल के साथ। पांच स्वर क्यों, अगर मैं रे के बारे में बात कर रहा हूं तो शायद हम ये भी कर सकते हैं सारे ग सारे ग, क्या आपने वो महसूस किया एग्जैक्टली क्या हुआ, शायद आपको नहीं पता, लेकिन कुछ तो अलग था। ये जो बदलाव था जब मैं रे कोमल और रे शुद्ध ले रहा था वो आपको फील करना है, और वो तब होगा जब आप स्केल प्रैक्टिस को केवल एक स्केल के तौर पर ना लें। किस तरह से आप स्केल प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम शुरू कैसे करते हैं, कोई भी स्केल लेते हैं, सारे ग म प ध नी सा, सो अगर ई मेजर स्केल, आज बैठे प्रैक्टिस के लिए अगर आपने सही बजाया और उसके बाद आपको लगता है कि अरे यार ये तो हो गया, आप दो स्टेप्स आगे आइए, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। तो सबसे पहले सारे ग म प इतना ही बजाइए, कोई ज़रूरत नहीं सारे गम प ध नी सा सानी ध प म अगर ऐसा, वो हो गया, वो दिन में दो बार दस बार कीजिए, बाद में जो आपके पास वक्त होता है, दस बार बजाने के लिए आपको दो मिनट लगेंगे, उसके बाद आप प म ग रे सा, ये भी उसी स्केल का पार्ट है ई मेजर। अब प म देखिए मैंने क्या किया, अब ई मेजर स्केल से हट करके मैंने डिसाइड करके रे शुद्ध की बजाय रे कोमल बजाया और उसका फील लिया किस तरह से वो सुनाई देता है।
बहुत पहले 90s में एक एडवर्टाइजमेंट आती थी जिसका मैंने अभी म्यूजिक बजाया। क्या आपको लगता है ये प्री प्लान था? बिल्कुल प्री प्लान नहीं था। जब मैंने ये बजाया फ्रेंड्स, पमगरे कोमल सा, एक ऐसा सॉन्ग जो मैंने बहुत सुना है, उस सॉन्ग की जो धुन है वो अचानक से इससे मिल गई। धपगरे सा, ये कोई राग है, मैं रागों में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनसे आप कनेक्ट कर जाते हो ऑटोमेटिकली जब आप मेजर स्केल की प्रैक्टिस में कुछ अलग स्वर इंक्लूड करते हो। मे बी आप ये भी कर सकते हैं कि मेजर स्केल नहीं, कोई एक फिक्स सेट ऑफ स्वर्स, मतलब अगर हम लोग लेते हैं सा रे ग म प ध नी सा, तो सा रे ग कोमल म प ध शुद्ध नी कोमल सा, ये आपकी फिक्स स्केल है। अब हम इसमें कोई एक बदलाव लाएंगे, सा रे ग म प ध नी सा, ये कोई तो एक फील दे रहा है। अब हम इसमें रे शुद्ध की बजाय रे कोमल लेंगे, तो कैसे सुना जाएगा? सिर्फ सारे गा म प बजाइए उसी स्केल में। इस तरह से आप जो बजा रहे हैं वही आप सुन रहे हैं। आपको अपने मन पर संस्कार डालने हैं कि क्या सुनाई देता है जब आप किसी एक स्वर को बदलते हैं और फिर से उसे वापस लाते हैं जिस स्केल में आप प्रैक्टिस कर रहे थे। ये प्रैक्टिस बहुत फ़ायदा देगी आपको, और इससे ये होता है ना कि आपको सिर्फ एक स्वर बदलने के बाद वो जो स्केल आप बजा रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं, जो एकदम छोटे चेंजेस होते हैं। 8 स्वरों में सिर्फ एक स्वर आपने बदला, एक छोटा सा चेंज शायद होगा, लेकिन वो जो आपको अब छोटा लग रहा है उसमें बहुत अंतर होता है। जैसे कि अब सुनिए, ये जो रे कोमल आया उससे बहुत बड़ा डिफरेंस आया, लेकिन वो जो बड़ा डिफरेंस है वो आपको तब पता चलेगा जब आप उस तरह से प्रैक्टिस करोगे। हर स्वर के साथ आप ये कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, सो दैट जब आप सॉन्ग्स में रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म तीव्र आता है फिर म शुद्ध आता है, फिर म शुद्ध फिर म तीव्र, तो आप गड़बड़ा नहीं जाएंगे। आपको पता है कि क्या फील आता है जब म तीव्र होता है शुद्ध का और जब शुद्ध होता है तीव्र से। स्केल प्रैक्टिस करते रहिए, तो स्वर ज्ञान बढ़ाने के लिए और उसके साथ स्केल प्रैक्टिस करने के लिए, स्केल प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हुए सॉन्ग्स बजाना ये बहुत ज़रूरी है। मैंने इस वीडियो में आपको वो देने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो भूषण म्यूजिफाइज हैं। ऑल द बेस्ट।